For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. हौसला रखिए मिसेस तुषार, आपके तरफ देखकर तो आपके हस्बैंड की आत्मा भी तड़प उठेगी। ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। लीजिए चाय, पी लीजिए, थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। पहाड़ी से उतरते हुए मिस्टर तुषार का पैर फिसला, आप उन्हें पकड़ने के लिए लपके। इससे पहले कि आप उन्हें पकड़ पाते, वो पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। जी। फिर क्या हुआ? फिर मैं भागता हूँ, नीचे गया तो वहां मुझे तानिया मिल गई। एक्चुअली वो मुझे ही ढूंढ रही थी, मैंने उसे तुषार के बारे में बताया तो उसने कहा कि हम उसे अभी ढूंढ लें, लेकिन तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था तो मैंने उसे मना कर दिया और मैं उसे यहाँ ले आया। साइन कीजिए। ना मैं तुषार को वो जमीन दिखाने ले गया होता और ना ही यह हादसा होता। होनी को कोई नहीं टाल सकता मिस्टर रजत। धीरज रखिए मिसेस खन्ना, अब इस वक्त तो लाश को ढूंढना मुमकिन नहीं, ये काम कल पर छोड़ते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, ठीक है? तो आइए मेरे साथ, आइए प्लीज, आइए आइए। चलिए ये रूम आपके घर की तरह आरामदेह तो नहीं है, लेकिन इस इलाके का सबसे अच्छा होटल यही है। आज रात आप लोग यहीं आराम कीजिए, ओके? ये मेरा फोन नंबर है, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे फोन कर दीजिए। अब आप यहाँ आराम करिए, मैं भी चलती हूँ। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। तुम आराम करो तानिया, मैं भी चलता हूँ। थैंक्स अ लॉट रजत। इट्स ओके। अब आप भी आराम कीजिए मिस्टर रजत, कल सुबह 6 बजे मुलाकात होगी, ओके? ये आपके रूम की चाबी। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट।
बैंक से इसको पोस्ट करवा दीजिएगा। सॉरी रजत, अब मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। अरे यार तुषार, ये तू क्या बोल रहा है? मैं तेरा 15 साल से दोस्त हूँ और तुझे मुझ पर 50 लाख रुपए का भी भरोसा नहीं? तू मुझे तो छोड़, बैंक से लिया हुआ पैसा भी डुबा डालेगा। अरे यार, हर कोई माँ के पेट से सब कुछ सीख कर थोड़ी आता है, मैं सीख लूंगा ना। तेरे सीखने तक तो नैया डूब चुकी होगी रजत। इसका मतलब है कि तू मुझे फाइनेंस नहीं करेगा? करूंगा, पर 50 लाख नहीं, 5 करोड़। 5 करोड़? यस, 5 करोड़। इसे देख, स्टेट गवर्नमेंट कानंदजोत पहाड़ियों के इलाके को डेवलप करके एक टूरिज्म सेंटर बनाना चाहती है। टूरिज्म मिनिस्टर ने मुझे ऑफर दी है कि मैं वहां एक हॉलिडे रिसोर्ट बनाऊं। ये उसी प्रोजेक्ट की फाइल है, तो इसे देख ले और अगर बात समझ में आती है तो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट। थैंक्स तुषार, थैंक यू वेरी वेरी मच। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ये सोच रहा था कि तू मुझे हेल्प करने से कतरा रहा है। डोंट माइंड, मैं टूरिज्म मिनिस्टर के सेक्रेटरी से बात करके तेरे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। ओह नो। हेलो ज्वेलार्ड, हाँ गौतम भाई से बात करेंगे प्लीज। गौतम भाई, तुषार बोल रहा हूँ मैं। वो आपने मुझे 5 लाख वाला डायमंड सेट दिखाया था ना, हाँ उसे पैक करवा के जरा ऑफिस भिजवा दीजिएगा फटाफट। हाँ थैंक यू गौतम भाई, बाय। तुषार एक बात कहूँ? हाँ बोल। कौन है वो लड़की जिसकी खातिर तू तानिया की मोहब्बत को बेवफाई की चिता पर लिटाकर 5 लाख रुपए के डायमंड सेट से स्वाह करने वाला है? अबे उल्लू के चरके, ये डायमंड सेट में तानिया के लिए ही खरीद रहा हूँ। आज तानू का बर्थडे है। हाय तानू। हाय जान, अभी तो सिर्फ 5:30 बजे हैं और फिर तुम लोग एक फंक्शन में जाना है, चलो फटाफट तैयार हो जाओ। एंड मेक इट फास्ट, आज हमें सारे शहर में धूम मचानी है। सारे शहर में? क्यों यार, तुम वकीलों की तरह बहस मत करो, चलो तैयार हो जाओ फटाफट। तुम दोनों हर रोज कोई खिचड़ी पका कर आते हो, फिर मुझसे पहेलियां बुझाते हो। पहले बताओ बात क्या है? अलादीन के चिराग वाला जिन आज दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में बिछा देगा। ऑल राइट ऑल राइट, तुम जीती। बोलना। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर। आज मेरा और मुझे ध्यान ही नहीं। हुस्न की मलिका के खिदमत में इश्क के गुलाम का ये तोहफा। थैंक यू तुषार, आई लव यू, आई लव यू जान। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे तानिया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू रजत। जरा देखो तो सही, तुषार ने क्या तोहफा दिया। तुषार ने मेरा बर्थडे याद रखा और अपने ऑफिस का काम छोड़कर मुझे विश करने यहाँ चलाया। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मेरे लिए? Let's paint the town red. Yes! आज सारे शहर को मालूम होना चाहिए कि हमारी तानू का बर्थडे है। ये खुशी हम सारे शहर के साथ बांटेंगे। Three cheers for तानिया! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! I'm sorry तुषार, आज हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों? मुझे घबराहट सी होने लगी है और बीपी भी लो हो गया है मेरा। तो तुम मुझे इतनी देर बाद बता रही हो? चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं डॉक्टर के पास हो आई हूँ, उसने मुझे दवा खाकर सोने के लिए कहा है और मैं जा ही रही थी कि इतने में तुम दोनों आ गए। Then don't be formal, जाकर दवा खाओ और आराम करो। ओके बाय। ओके आई एम सॉरी रजत। अरे इट्स ओके यार, आई अंडरस्टैंड। एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? नो थैंक्स। फिर मैं निकलता हूं। हाँ अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फौरन फोन करना। हाँ श्योर, बाय एंड थैंक्स अगेन। हाँ टेक केयर, सी यू। टेक केयर, बाय। ये क्या बचपना है तानू, तुम्हारा बीपी लो है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है और तुम नहा रही हो। ना ही मेरा बीपी लो है और ना ही मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो फिर तुम? आज मेरा बर्थडे है, मेरी खुशियों का दिन है ना? ऑफ कोर्स। तो फिर मैं अपनी खुशियाँ तुम्हारे दोस्तों या शहर के लोगों के साथ क्यों बांटूं? तानू डिया, खुशियाँ बांटने के लिए ही होती हैं। जितनी खुशियाँ बांटोगी उतनी ही खुशियाँ मिलेंगी। मगर मैं अपनी खुशियाँ जरूर बांटूंगी, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ।
तुम तो पॉलिटिशियन जैसी बातें करने लगी हो। जो कुछ बांटना हो घर वालों में ही बांट दो। तुम मुझे पॉलिटिशियन समझो या खुद गर्ज? मेरा बर्थडे सिर्फ हम दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे। नीचे फ्रिज में शैंपेन की बोतल पड़ी है, उसे ले आना प्लीज। यस मैडम।
तुषार, तुषार क्या हुआ? कोई है नीचे। तुमने बर्गलर राम ऑन किया था क्या? नहीं, मैं तो शाम से ऊपर आ गई थी, मुझे लगा कि तुमने ऑन कर दिया होगा। खैर, मैं नीचे जाकर देख कर आता हूँ। नहीं, तुम नीचे नहीं जाओगे। ऐसा करो, दरवाजा अंदर से लॉक कर दो। कम ऑन तानू, हम अपने ही घर में कैद होकर बैठे रहे। व्हाटएवर, तुम नीचे नहीं जाओगे। कम ऑन तानू प्लीज। देखो तुषार, मुझे डर लग रहा है। अगर वहाँ कोई चूहा मेरी कॉन्ट्रैक्ट फाइल कुतर गया तो? कुतरने दो, बट तुम नीचे नहीं जाओगे। कम ऑन तानू, ऐसा करता हूँ सीढ़ियों पर से झांक कर देखता हूँ। तुषार प्लीज। जस्ट वन मिनट तानू। जिंदगी के पेड़ से तेरे नाम का पत्ता कट गया कुत्ते। ओह माय गॉड, ये तो रिवॉल्वर है। अबे अकल के, रिवॉल्वर नहीं है, पिस्टल है, तेरी सेल्फ डिफेंस के लिए। नहीं यार, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, खतरे कभी बोलकर नहीं आया करते। और मैंने तेरे नाम से एप्लीकेशन लिखकर इंस्पेक्टर योगराज सिंह को वेरीफाई करने के लिए दे दी है। हफ्ते भर में तेरा लाइसेंस भी आ जाएगा। ले पकड़, कम ऑन टेक इट। यार हथियार भी क्या चीज है, हाथ में आते ही हिम्मत बढ़ जाती है। बट यार, इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। यहां ला, मैं दिखाता हूं। पकड़, ये सेफ्टी लॉक है। जब तक ये बंद रहेगा फायर नहीं होगा। फायर करने के लिए इसे रिलीज करना पड़ेगा, ऐसे। ये मैगजीन है, इसमें गोली भरते हैं और ऐसे बंद करते हैं। और जिस चीज को निशाना लगाना हो उस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करते हैं। यूं ले, कर फायर उस डॉल पर। तुषार, तुषार डोंट फायर। तुषार, तुषार देख दोस्त, टेंशन नहीं। तुषार, तुषार टेंशन नहीं। इजी इजी, टेक इट इजी। तुषार टेक इट इजी, यार रिलैक्स। तुषार, ये लो, ये लो। तुम्हें कितनी बार कहा है तुषी कि टेंशन मत लिया करो, लेकिन तुम हो कि अगर इसे चलाना है तो शूटिंग क्लब ज्वाइन कर लो, इसे वहां चलाना। मैं तो कहता हूँ कि इस रिवॉल्वर की जरूरत ही क्या है। जरूरत है, पर अब तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ, मुझे यहाँ का हुलिया ठीक करने दो। ओके। आ जा। यार तू हंस क्यों रहा है? तानिया की घबराहट पर। अगर उस चोर का पाला तेरे बजाय तानिया से पड़ा होता तो? यार तानिया कोई सुपरमैन तो है नहीं, एक सीधी साधी नॉर्मल सी औरत है। ठीक है यार, इंसान को इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए जो खुद की रक्षा ना कर सके। अच्छा सुन, मैं टूरिज्म मिनिस्टर के सेक्रेटरी से मिलकर आया हूँ और जगह भी देख आया हूँ, और 22 को बैंक हॉलिडे भी है। बोल क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, बस घर पे बैठ के मस्ती मारेंगे। ग्रेट, तो हम तीनों उस दिन कानन जो चलते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी, घूम फिर भी लेंगे। मैं तानिया से बात करूंगा। बात मत कर, उसे मना, उसे पटा।
किसी भी तरह हमें 22 तारीख को आउटिंग के लिए चलना ही चलना है। ओके यस। जमीन है तो सस्ती लेकिन पथरीली है, खुदाई में काफी पैसा और वक्त बर्बाद होगा। जमीन पथरीली है तभी तो सस्ती है। ये किस जमीन की बात कर रहे हो तुम दोनों? जिसे हम देखने जा रहे हैं। हम तो आउटिंग पे जा रहे हैं ना तुषी। आउटिंग पर भी और जमीन देखने भी। पथरीली है, क्यों कोई किला बनाने वाले हो? मैं और रजत पार्टनरशिप में एक हॉलीडे रिसोर्ट बनाने की सोच रहे हैं। यानी एक और मुसीबत खड़ी होने वाली है। क्यों, चांद पर घर नहीं बनाना है क्या? माय डियर रजत, पेट्रोल कम है, भरवा लेना। या भाई साहब, एक कोल्ड ड्रिंक देंगे प्लीज? हाँ क्यों नहीं देंगे भाई। ये लीजिए। थैंक यू। वहां बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी, आप इसी इलाके की हैं क्या? जी हाँ, किरण चौधरी है मेरा नाम और इस इलाके की थाना इंचार्ज हूँ। कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई खास नहीं, बस पता करना था कि यहाँ से कानन ज्योत की पहाड़ियाँ कितनी दूर हैं। 5.5 किलोमीटर। लेकिन वो तो बंजर इलाका है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? जमीन देखनी है, एक दोस्त के साथ वहाँ पर हॉलीडे रिसोर्ट बनाने का इरादा है। अच्छा अच्छा, शायद आपके दोस्त वो हैं जो जनगाड़ी के पास खड़े हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और वो लेडी? ओह, शी इज माय वाइफ। आई सी। वैसे कानन ज्योत मेरे इलाके में पड़ता है। अगर वहाँ आप हॉलीडे रिसोर्ट बनाने जा ही रहे हैं तो अक्सर मुलाकातें होती रहेंगी मिस्टर खन्ना। हाँ, तुषार खन्ना। नाइस टू मीट यू मिस्टर खन्ना। वैसे अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। थैंक यू ऑफिसर। माय प्लेजर। थैंक यू मिस्टर खन्ना एंड सी यू। श्योर। ओके। यह है वो जगह, उस पहाड़ी की चोटी से लेकर उस चुने लगे पत्थर तक। काफी बड़ी जगह है। इस तरफ मेन रोड है और यहाँ पर एक झील भी है। झील है तो एक बोटिंग क्लब भी बनाया जा सकता है। ऑफ कोर्स। तुम्हारा क्या ख्याल है जान? बकवास। क्या बकवास? यहाँ पर हॉलीडे रिसोर्ट बनाने का आइडिया शहर से इतनी दूर इस वीरानी जगह में कौन आएगा जान? ये इलाका जन्नत बनने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट ये सारा इलाका डेवलप करके एक टूरिज्म सेंटर खोलना चाहती है। वाव, तब तो ये शानदार जगह है और 4-5 साल में ये जगह गोल्ड माइन बन जाएगी। आजा तुषार, निशानेबाजी करते हैं। नहीं रजत, ये धुड़ुम धुड़ाम तुम्हें ही मुबारक हो। क्यों, मेरा निशाना देखकर डर गया क्या? तुमसे तो काफी अच्छा निशाना होगा तुषार का। दावों की सच्चाई का पता मैदान में आने के बाद पता चलता है। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मैं इसकी बोलती बंद करके आऊं। बट ऑफ कोर्स इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स नॉट। वाह रे किस्मत, वाह, अंधेरे में तुक्का लग गया। एक बार फिर से लगा। अरे बाप रे, तू इतना अच्छा निशानेबाज कब से हो गया? जिस दिन तू रिवॉल्वर लेके आया था ना, मैंने उसी दिन शूटिंग क्लब ज्वाइन कर लिया था। ये ले, अब तेरी बारी। फायर मत करना रजत। क्यों? राइफल का बैरल कभी जमीन पर नहीं रखते, और अगर रख भी दिया हो
तो उसे फायर करने से पहले हमेशा चेक कर लेना चाहिए। अब वो क्यों? अगर बैरल में कोई कंकड़ पत्थर फंस जाए तो बैरल ब्लॉक हो जाने के कारण बैक फायर हो जाएगा, बैरल फट जाएगा और उसे चलाने वाला भी मर सकता है। काफी सीख गया है तू। क्लीन बोतल छोड़, अब देख। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, उसकी धूम पर लगी है, थोड़ी देर बाद गिरेगी। अच्छा अब देख। वो क्या है ना, दोनों साथ में गिरेगी, दे नीड कंपनी यार टू फॉल। यार तू लंबी लंबी छोड़ना बंद कर। तानू सुना, ये कहां चले गए यार? अरे उस बॉटल के पीछे देख, कहीं तूने उसे ना उड़ा दियो। ऐसी मनुष्य बात मत कर यार। अरे यार मजाक कर रहा हूं, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। ओके आई एम सॉरी, आई थिंक तानिया उस चढ़ाई के पीछे गई होगी, चलो वहां देखते हैं। चल ढूंढते हैं। अजय तुषार कम ऑन यार। हाँ कर रहा हूं यार, यार मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, मेरी जान पर बनी और तुझे। रजत पागल हो गया यार तू, यार रजत मैं गिर जाऊंगा यार, हाथ दे यार। पागल मैं नहीं, पागल तो तू हो गया है, अब तक तो तेरी अकल पर अंधेरा छाया हुआ था, मैं तो सिर्फ तेरी आंखों से ये पर्दा हटा रहा हूं। मैं मर जाऊंगा रजत, हाथ है मेरे दोस्त, हाथ है अपना। यार मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दे मुझे, हाथ है अपना। मेरा हाथ लेकर तू क्या करेगा? तेरी तकदीर तो मेरे पैर की लकीरों में लिखी हुई है, इसमें यह लिखा है कि तेरे ऊपर जाने की टिकट यही देंगे। गुड बाय तुषार एंड हैप्पी जर्नी। का तो काम मैंने तमाम कर दिया, अब तेरी बारी है तानिया। यू वी मेड इट रजत, हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमारा रास्ता साफ हो गया मिलन का। हमारा प्लान कामयाब हो गया, यस
अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। Yes! We made it, Rajat! Yes! आंखों के सामने होते हुए भी हम एक दूसरे से कितनी दूर थे रजत, और आज ये दूरियां खत्म हो गई तानू। बेबसी और गरीबी के भंवर से आज हम निकल आए हैं। याद मत दिलाओ उन मनहूस दिनों की, जो हमारी जिंदगी से जोंक की तरह चिपक कर हमारे अरमानों का खून चूस रही थी। भूल जाओ पास्ट को, अब दुनिया की हर खुशी हमारी है। इतनी जल्दी नहीं तानी, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? जब तक कानून तुषार के नाम के आगे स्वर्गवासी की मोहर नहीं लगा देता, तब तक हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी को भी हम पर शक हो। अंडरस्टैंड? जैसे तुम आए हो, मुझे पता है कि 3 महीने से तुमने एक किराया नहीं दिया। हाँ, अगले महीने दे दूंगा। मुझे 2500 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। बस 2500 रुपए की औकात है तुम्हारी? तानिया, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम वो नौकरी नहीं करोगे रजत। क्यों? किस लिए करनी है ये नौकरी? सिर्फ कुत्ते बिल्ली की तरह पेट भरने के लिए? वो तो हम अभी भी भर रहे हैं। मेरी नौकरी काफी है उसके लिए, फिर तुम्हें दूसरे की गुलामी करने की क्या जरूरत है? तानिया, मगर क्या एक मर्द को ये शोभा देता है कि वो एक औरत की गुलामी करे? भाड़ में गई तुम्हारी मर्दानगी। क्या देगी मुझे तुम्हारी मर्दानगी इस 2500 रुपए में? लटक लटक कर बसों में सफर करना, लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर राशन खरीदना, 150 रुपए के झूठे गहने खरीदूंगी मैं, और तुम फुटपाथ पर लगे हुए सेल से जूते और कपड़े खरीदोगे। ऐसी कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी देने के लिए तुमने मुझसे प्यार किया था? हमारी जिंदगी से निकली हुई खुशी का रस ये दौलत वाले पी जाएंगे। तकलीफों और परेशानियों के कड़वे बीज हमारी झोली में डाल देंगे। कूल इट तानिया, कूल इट। मैं कोई दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड रजत? सेल्स काउंटर पर खड़े होकर खरीदारों के स्वागत में नकली मुस्कुराहट बिखेरते बिखेरते मैं थक गई हूँ। बुझने लगे हैं मेरे उम्मीदों के चिराग। रजत, हम भी इंसान हैं, हमें भी जिंदगी के ऐशो आराम पर पूरा हक है, और मुझे वो हक चाहिए। दौलत, बंगला, गाड़ी, VIP लाइफ, ये सब चाहिए मुझे। ओके ओके, आई एग्री। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। इंतजार करो एक ऐसे मौके का जो हमारी जिंदगी की धारा बदल दे। नौकरी करो, पर ये 5-2 हजार की नहीं, बिग जॉब जो हमें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दे। ओके, मैं कल ही इस जॉब से इनकार कर दूंगा। दैट्स द स्पिरिट, वी विल फाइट फॉर अ गुड लाइफ। तानिया, तुम्हारे हौसला ही मेरी जिंदगी है। अबे तुषार, तू, मैंने तुझे पहचाना नहीं यार। भैया, तुम जैसे बड़े लोग हम जैसे लोगों को कहां पहचानते हैं। चला बैठ गाड़ी में। ऑफ कोर्स यार। कैसा है तू यार? कैसा लग रहा हूं मैं? हाँ? वो सब कॉलेज की बातें थी यार, क्या दिन थे वो भी। पर तू तो इंग्लैंड चला गया था? हाँ यार, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। पर डैडी की डेथ हो गई तो बिजनेस संभालने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। तब से अभी तक घुसा पड़ा हूं बिजनेस में। और तू सुना, क्या कर रहा है आजकल? रजत, क्या बात है यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
मेरे आशियाने का तो तिनका बिखर गया तुषार। कैसे? तेरे डैडी की तो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी ना? डैडी एक्सपायर हुए तो पता चला कि उनका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था। मैं सबको छोड़कर जबलपुर चला गया और वहां मैंने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। मैं सेटल भी हो गया था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, कि वहां एक दिन फसाद हो गया और मेरे 4 साल की मेहनत नफरत के शोलों में जलकर राख हो गई। सो सैड यार। तब से मैं उन यादों का पीछा छोड़कर भागता फिरता हूं, पर किसी तरह वो यादें हर रात किसी आरी की तरह मेरे जख्मों को चीरने चली आती हैं। सोचा कि पुराने दोस्तों के बीच रहूंगा तो उन यादों को भुला सकूंगा। मैं इसीलिए यहां पर चला आया दोस्त। बहुत अच्छा किया। एंड डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, हां हम दोनों कुछ मिलके करेंगे। बैठ। एक फ्लैट किराए पर लिया है मैंने, पर वहां पर फोन नहीं है। नो प्रॉब्लम यार, मेरी कंपनी के 2-3 फ्लैट खाली हैं, 2-4 दिन में उसे फर्निश करा दूंगा, तुम वहां शिफ्ट हो जाना। थैंक्स तुषार, थैंक्स अ लॉट। नो प्रॉब्लम। नमस्ते मालिक, शाह साहब ये चेक साइन करने के लिए दे गए हैं। ठीक है हरी, पारो को कुछ नाश्ता लाने के लिए बोलो। मालिक नाश्ता तैयार है, अभी लाया। ये काहे के चेक से तुषार? पार्टीज के पेमेंट से यार, कल मैं बेंगलोर गया हुआ था ना, आज लौटा तो रास्ते में तू मिल गया। नाउ लिसन, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ और तू कहीं जाना नहीं। हाँ, यहाँ से हम दोनों ऑफिस चलेंगे और सबसे पहले तेरा अपार्टमेंट फिक्स अप कराएंगे। तू नाश्ता शुरू कर, मैं भी आता हूँ। तुषार, भाभी कहाँ है? यहाँ है या इंग्लैंड में? अबे लल्लू, अभी तक मैंने शादी नहीं की। क्यों, कोई पसंद नहीं आई क्या? यार पसंद तो सैकड़ों आई, मगर वहां की लड़कियां देखने के लिए तो होती हैं, मगर शादी के लिए नहीं। हाँ एक टिप देता हूँ तुझे, लाइफ पार्टनर के लिए इंडियन लड़की से बढ़कर और कोई नहीं हो सकती। हाँ इसका मतलब यह है कि तूने कोई देसी लड़की चुन रखी है? नहीं यार, अभी तक तो नहीं की। क्यों? मेरी दौलत जिस किसी लड़की से भी मिलता हूँ मुझे 2 मिनट में सर कहना शुरू कर देती है। वैसे लड़की मेरी सेक्रेटरी तो बन सकती है, बट माय वाइफ नेवर। ओह आई सी, तो तुझे तुझसे भी बड़ी रईस दादी चाहिए। मुझे तो गरीब लड़की भी चलेगी, पर वो ऐसी हो कि मुझसे इक्वल टर्म्स में बात करे, दबकर नहीं, मुझे प्यार करे, अपना कर्तव्य निभाए, अधिकार की बात हो तो मुझसे लड़े, सर झुकाकर हाँ में हाँ मिलाने वाली गैया ब्रांड वाइफ आई डोंट लाइक। ऐसी होनी चाहिए मेरी वाइफ। अब तू बता तेरी वाली किस ब्रांड की होगी? Thank you.
गए हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम मेरी मोहब्बत की अग्नि परीक्षा ले रहे हो। Nothing like that, तानिया। तो फिर तुमने मुझसे ऐसी बात क्यों कही? तानिया, ये प्लान हमारे खुशियों के खजाने की चाबी है। खुशियों का खजाना? तुमसे जुदा होकर मैं किसी और की हो जाऊं, ये खुशियों का खजाना है? ये हमारा पहला कदम है तानिया। दूसरे कदम पर तुषार की मौत और तीसरे कदम पर खड़ी इंतजार कर रही है हमारी मंजिल। कहने और करने में बहुत फर्क है रजत, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। तो फिर उस दिन मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही थी तुम? क्यों मुझे वो नौकरी नहीं करने दी? बंगला, गाड़ी, दौलत, वीआईपी लाइफ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। सड़ना जिंदगी भर इसी 300 रुपए वाली खोली में, गंदी नाली के कीचड़ से गुजर कर घर जाना, तपकती छत के नीचे रात रात भर सिकुड़ कर कोने में बैठी रहना, गली की आवारा औरतों के साथ बैठ कर गाली गलौज करना, समझी? और किसी सरकारी अस्पताल में जमीन पर पड़ी पड़ी अपने बच्चे को झंडा और जीना, वही कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी। ये जरूरी तो नहीं कि अपने सपने पूरे करने के लिए दुनिया की हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी कर लेती है। मंजिल पाने का कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा। होगा, 50-100 रास्ते होंगे, पर हमारे पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है। तानिया, इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक बार मौका मिलता है, हमें वो मौका अब मिला है, और अगर हमने ये मौका गवा दिया तो जिंदगी भर तड़पते रह जाएंगे। और वो तुम कहती थी ना, कुत्ते बिल्ली की तरह पेट भरते रहेंगे और वही करते रहेंगे। और एक बात और। क्या? अगर हम इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए तो जिंदगी में दूसरे मौके का इंतजार करने के बजाय हम अलग अलग हो जाएंगे। मुझे दाव पर लगाकर तुम एक जुआ खेलने जा रहे हो रजत। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है तानिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारा बॉस तुम पर कितना मेहरबान है। तुम भी ये जानती हो कि उषा मेहता अपनी दौलत की बारिश में मुझे नहलाने को तैयार है, फिर भी ना तुम मुझे ठुकरा सकी और ना मैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की जान हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये कैसा प्यार है रजत, जो हमें एक दूसरे से दूर ले जा रहा है? तानी, यही तो तेरा प्रॉब्लम है। तू इस दूरी को मत देख, इसके बाद आने वाले हमारे मिलन को देख। जमीन से लेकर आसमान तक वो कौन सी चीज होगी, कौन सी खुशी होगी जो मेरी तानी के पास नहीं होगी? चलो ठीक है, मैं मान भी लेती हूँ, अगर मैं तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आई तो। तानी, तुम अपने आप को आईने की नजर से नहीं, मेरी नजर से देखो। लैला काली भी हो तो भी मजनू को प्यारी ही होती है। That's the point. अगर तुम मेरी बातों को ठीक तरह से फॉलो करती रही तो तुषार तुम्हारा मजनू नहीं, गुलाम बन जाएगा। गुलाम? क्या फेवर चाहती हैं आप मिस तानिया? मैं PhD कर रही हूँ मिस्टर खन्ना, और मेरा टॉपिक है इंडियन लेबर। हाउ इंटरेस्टिंग। मैं आपसे एक अथॉरिटी लेटर चाहती हूँ जिससे मैं आपकी किसी भी फैक्ट्री या आपके किसी भी प्लांट में जा सकूं, आपके मजदूर या आपके यूनियन लीडर से बात कर सकूं। That's all. ये लेटर तो आपको मेरे मैनेजर से भी मिल सकता था, फिर आपने मुझ तक आने की तकलीफ क्यों की? ये नीचे वाले लोग या तो करप्ट होते हैं या रूल्स रेगुलेशन के नाम पर चक्कर लगवा लगवा कर टाइम बर्बाद करते हैं, इसलिए मैं हमेशा टॉप लेवल के लोगों से ही बात करती हूँ। ये भी तो हो सकता है कि आपको मेरे किसी राइवल कंपनी ने जासूसी करने के लिए भेजा हो। मिस्टर खन्ना, एक बिजनेसमैन को अगर किसी के दुश्मन होने का शक हो तो उसे कुछ कहना नहीं चाहिए, चुपचाप उस शख्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शख्स आपका दुश्मन ना हुआ तो हो सकता है आपका शक उसे आपके दुश्मनों का दोस्त बना दे। वेल, मिस तानिया, अगर आप बिजनेस फील्ड में उतरे तो एक कामयाब बिजनेस लेडी साबित होंगी। आपका अथॉरिटी लेटर बन जाएगा। वैसे मैंने भी एक किताब लिखी है इंडियन लेबर पर, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपकी PhD में। मोस्ट वेलकम। <Most welcome. laughs>
ए तुषार, क्या हुआ यार? ना नहाने दिया, ना शेव करने दिया, फटाफट बुला लिया। खैरियत तो है ना? यार रजत, तुझे मेरी शादी की बात पक्की करने जाना है। हे तुषार, हे इट्स अ न्यूज़। आपको यकीन है कि मिस्टर तुषार यहीं गिरे थे? जी, मैंने तुषार को वहीं से गिरते हुए देखा है। नहीं, लेकिन उनकी बॉडी दिखाई नहीं दे रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने तुषार को वहीं से गिरते हुए देखा है। तानिया, हो सकता है कि तुषार की लाश को भेड़िया उठाकर ले गए हो? नहीं, मुझे तुषार की लाश चाहिए। मैं उसका अंतिम संस्कार, उसका श्राद्ध कैसे करूंगी? प्लीज मिसेस तुषार, प्लीज ऑफिसर, प्लीज हेल्प मी। प्लीज, आपके हस्बैंड जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके में एक भी भेड़िया नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए। हाँ तो मिस्टर रजत, कहाँ गिरे थे वो? वहाँ उस कैक्टस के बीच। वो? या वो? ऐसे नहीं हो सकता। सारी जिंदगी तुषार ने किसी का दिल नहीं दुखाया। अपने वर्कर्स, अपने स्टाफ को एक बाप का प्यार दिया और उसका अंत। उम्मीद का दामन मत छोड़िए मिसेस तुषार। हो सकता है आपके हस्बैंड जिंदा हो। नहीं, आप मुझे झूठी तसल्ली दे रही हैं। इतनी ऊंचाई से गिर के कोई कैसे बच सकता है? कैक्टस के पौधे किसी गद्दे की तरह मोटे और नरम होते हैं, और आपके हस्बैंड कैक्टस के झुंड में गिरे हैं। हो सकता है वो बच गए हों। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या झूठ कहा मैंने? मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छी तरह से देख लो वो कमीना मरा है कि नहीं। कहा था कि नहीं? कहा था, और मैंने पहाड़ की चढ़ाई की तरफ जाकर दूरबीन से देखा भी था। उसकी लाश कैक्टस के झुंड में पड़ी हुई थी। दूरबीन से देखने की क्या जरूरत थी? पास जाके नहीं देख सकते थे? अगर मैं बॉडी के पास जाकर देखता तो वहाँ इंस्पेक्टर किरण को मेरे कदमों के निशान मिल जाते, और उसे ये साजिश समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। काश मैंने तुम्हारे प्लान को मानने से इनकार कर दिया होता। क्यों? दो अटेम्प्ट किए, दोनों फेल। चोर बनकर घर में घुस आए, न जाने कौन सी बाबा आदम के जमाने की जंग लगी रिवॉल्वर ले आए। फायर की और चली नहीं। इस बार ऑटोमेटिक राइफल मौजूद थी, उसे छोड़कर तुषार को फेंकने का प्लान बना लिया। Why don't you understand? अगर पिछली बार वो मारा जाता तो इल्जाम किसी अनजाने चोर पर आता, मगर इस बार हम दोनों उसके साथ थे। तुम्हारे पास इस सड़ियल प्लान के अलावा कोई दूसरा आइडिया नहीं था? मैंने उसे 200-250 फीट ऊपर से नीचे फेंका था, 250 फीट ऊपर से। फिर भी वो बच गया। जरूरी नहीं है, हो सकता है उसकी लाश को कोई जंगली जानवर ले गया हो। मैं तुम्हारे इस अगर मगर पे भरोसा नहीं कर सकती। मुझे अपनी आंखों से उसकी लाश देखनी है। ठीक है, मैं तुम्हें उसकी लाश दिखा दूंगा, अगर वो मर गया है तब भी, और अगर वो जिंदा है तब भी। बूढ़ा? हाँ, तू बूढ़ा हो गया है। घर पे बैठ के गीता और रामायण सुनने का, वो छोड़ के तुम मेम साहब पर लाइन मारता है। अरे मेम साहब पर कौन लाइन मारता है? वो तो मी बगता होता जो मेम साहब जोड़ कूतरा उतरा है कि नहीं है।
तू कुत्ता पालेगा मामा? अरे मेरा क्या दिमाग खराब हो गया कुत्ता पालने के लिए? मैं तो देख रहा था मेम साहब के पास कुत्ता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अपन मेम साहब को बोल देगा कि अपने बालिया को पाल ले। हाँ। तो मालूम है, क्योंकि मेम साहब लोग कुत्ते के बच्चे को अपने औलाद से ज्यादा प्यार देके पालती है, फिर अपने बाले को पालेगी ना, और अपने बालिया का नाम होगा मोती। हाँ, मोती मोती। अरे ये कौन है रे? मेम साहब आई और वो बाप। म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? लोकल लोगों की नजरों में आना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हैट पहनो और अपना फेस कवर कर लो। अरे वाह, क्या हुआ? तुमने कुछ सुना? नहीं। शायद हो सकता है गाड़ी की आवाज की वजह से तुम सुन नहीं पाए। क्या सुन नहीं पाया मैं? मुझे तुषार की चीखने की आवाज सुनाई दी। तुषार की आवाज? हाँ, ये आवाज शायद वहां से आई है। लेट्स गो दे। Are you sure? हाँ, मुझे लगता है वहां से आवाज आई है। हम दोनों नीचे जा रहे थे कि तुषार का पैर अचानक फिसला। मैं उसे पकड़ने के लिए भागा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पकड़ता वो नीचे गिर गया। तुषार तुषार फिसल कर गिरा तो पहले वाले पत्थर के पास गिरना चाहिए था, लेकिन इतना दूर कैक्टस के चुन पर कैसे गिरा?
देख लो, अच्छी तरह देख लो। मैं कहता हूं कि मैंने तुषार की आवाज नहीं सुनी। यकीनन तुम्हें भ्रम हुआ है। सवाल ही नहीं उठता। मैं तुम्हारी तरह कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। कच्चा खिलाड़ी तो मैं भी नहीं हूँ। अगर मैं कच्चा खिलाड़ी होता ना तो ऐसा सॉलिड प्लान नहीं बनाता। तुम्हारे इसी सॉलिड प्लान के कारण हम यहाँ भटकते फिर रहे हैं। तानिया, अगर तुषार जिंदा होता तो हमें मिल जाता। आई एम श्योर ही इज डेड। जंगली जानवर उसे खा गए और उसकी हड्डियां भी चबा गए है ना। नहीं रजत, किरण चौधरी ठीक कहती है। वो मनुष्य मरा नहीं, जिंदा है, और हमें उसे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलो उस तरफ चलते हैं। चलो। जिंदा है। क्या बात कर रही हो? ए, देख लिया मुझे, देख लिया। हाँ, जिंदा है, मगर ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा नहीं। पीछे की सीट से मुझे राइफल उठा के दो। नो रजत, नो राइफल। अरे 50 फीट की दूरी से तुम एक बोतल नहीं उड़ा सकते हो, तो चलती हुई गाड़ी से उसे निशाना क्या लगाओगे? Then how to kill him? ऐसा करो, उसे गाड़ी से टक्कर मारो और फिर उसे शूट कर दो। Come on. Come on, रजत, kill him. I say just kill him, रजत. Roger, kill him. Come on, Roger. Come on. Arre, Roger, wo nikal jayega. Come on. अरे वो इंस्पेक्टर आ रही है। तो आप लोग यहाँ? तुषार इस वीराने में भटकता फिर रहा होगा, और हम होटल में आराम से कैसे बैठ सकते हैं? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, वो, फिर आप दोनों? एक्चुअली हमें ऐसा लगा कि वो वहाँ कोई जा रहा है, हम भी वही जा रहे थे, लेकिन ये गाड़ी अटक गई। अब इसे निकालने के लिए 3-4 लोगों को बुलाना पड़ेगा। यहाँ कोई है भी नहीं।
हम ही लोग कोशिश क्यों नहीं करते? चलिए आइए। सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन ये काम औरतों का नहीं है। मिस्टर रजत, जो काम मर्द कर सकते हैं वो औरतें क्यों नहीं कर सकती? शौक से। बैठिए मिसेस तुषार जी, हम लोग धकेलते हैं। वाह, कमाल कर दिया आपने। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई है। तानिया, तुमने भी देखा ना? हाँ, आपको धोखा हुआ है। चलिए वापस चलते हैं। हमें काम क्यों नहीं करते? आप तुषार को उस तरफ खोजिए और हम दोनों इस तरफ खोजते हैं। लगता है आपको मेरी खोजबीन पर तसल्ली नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप लोगों को इस कड़ी धूप में भटकने की क्या जरूरत है? मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर रजत, ये इलाका बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। आप लोग वैसे ही मिस्टर तुषार की वजह से परेशान हैं, और अगर मिसेस तुषार को कुछ हो गया तो ये लीजिए। क्या हुआ मिसेस तुषार, क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? चक्कर सा आ गया था। एक मिनट, ये लीजिए। मैं कह रही थी ना कि इन्हें कुछ हो जाएगा। अब आप इन्हें लेकर होटल चलिए, मैं खोज पर निकलती हूँ, समझे? इसे आप रख लीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके, बाय बाय। बाय। तुम्हें चक्कर कैसे आ गया? चक्कर वक्कर कुछ नहीं, मैं तो किरण को भगाने के लिए ड्रामा कर रही थी। My goodness, क्या परफॉर्मेंस दिया तुमने यार। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। पवार जी। मैडम, ये सिगरेट कब से पीने लगे हो? नहीं मैडम। तो फिर ये क्या है? ये तो उन साहब ने पी थी जो कल रात मैम साहब के साथ आए थे। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम। पाटिल ड्यूटी पर आ गया है, मैं घर जाऊँ? जाओ। अच्छा।
क्रेडिट कार्ड, बड़े आदमी की पहचान, मैं बड़ा आदमी हूँ। एटीएम कार्ड, जब चाहो पैसे निकाल लो। प्रॉपर्टी से लेकर फाइव स्टार तक कुछ भी मिल सकता है, मिल जाएगी एक जिंदगी की टिकट। जो चाहो खरीद लो, मिल सकता है एक ग्लास पानी, रोटी चाहिए मुझे, रोटी, पानी दे दो कोई, लो, खरीदो, खरीदो, खरीदो ये दुनिया, ये जमीन, खरीदो ये सारी दुनिया। ये भी लो, ये भी लो, ये घड़ी, ये भी लो, एक रोटी दे दो प्लीज, एक ग्लास पानी। रजत, पानी पियोगे? नहीं, लाओ। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में पूरा पता करें। जी हाँ, और पुलिस रिपोर्ट भी चेक कर लें। हुश, 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 हुश। रजत, तुम्हें भटकना है तो भटको, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मुझे भी आ रही है, कम ऑन, लेट्स गो टू स्लीप। Thank you.
क्या हरामखोर, कम ऑन, क्या कम ऑन फास्ट, इधर हंसता है क्या, जा, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं देखा मुझे, क्यों नहीं देखा मुझे, मैं मर क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं देते मुझे, कितने तड़पाओगे और कितने तड़पाओगे मुझे, कहाँ देखा था तुमने रिफ्लेक्शन? यहीं पर कहीं पर देखा था मैंने। जो तुमने रिफ्लेक्शन देखा था ना, वो उस खटारा गाड़ी का था। ओ, तो जरूर उस गाड़ी के अंदर होगा। Shall we check it? Wait, मैं गन लेकर आता हूँ। तुषार, हेलो हेलो हेलो, तो आप लोग खुद खोज में लगे हुए हैं। अब हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते? ऑफ कोर्स नॉट, शायद इसलिए कल आप लोग होटल नहीं पहुंचे। एक्चुअली वो हमने सोचा कि होटल आने जाने में काफी वक्त बर्बाद होगा, तो क्यों ना हम गाड़ी में ही सो जाएं और सवेरा होते ही निकल पड़े। आपकी राइफल काफी कीमती लगती है। जी हाँ, ये 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 तुषार की है। हमने सोचा कि शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, भाई जंगल है। गलत ख्याल है आपका, इस इलाके में छोटे मोटे जानवर तो हैं, लेकिन खतरनाक और आदमखोर जानवर नहीं है। फिर भी ये सुनसान इलाका है और एक लेडी अगर साथ है, हाथ में हथियार हो तो हिम्मत रहती है। आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, आप इन्हें लेकर होटल चलिए, मिस्टर तुषार को मैं ढूंढ लूंगी। मेरा बेस्ट फ्रेंड इस वीराने में भूखा प्यासा भटक रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं आराम करूं? ऑलरेडी एक परेशानी मौजूद है, अगर मिसेस तुषार को कुछ हो गया ना तो एक और परेशानी खड़ी हो जाएगी। इन्हें लेकर होटल जाइए, मिस्टर तुषार को मैं ढूंढ लूंगी। कब? पुलिस के लिए तो ये 50 केसों की तरह एक और केस है, मगर तानिया के लिए उसका सुहाग और मेरे लिए मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है। मैं ढूंढ रही हूँ ना उन्हें, अगर वो ना मिले तो हम बैठकर एक प्लान बनाएंगे, कस्बे के लोगों से मदद मांगेंगे, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगाएंगे, सर्च टीम बनाएंगे। क्यों नहीं, पुलिस कार्रवाई जो है चलती रहेगी आराम से। मिस्टर रजत, आप अपनी समझदारी की हदों को पार कर रहे हैं। राइट रजत, किरण जी जो कह रही है वो ठीक है, ये इलाका इनका देखा भाला है और एक हफ्ते में जितना इलाका हम कवर कर सकेंगे वो तो ये दो दिन में कर लेंगी, और देखो हमारी वजह से यहाँ पर इनका वक्त बर्बाद हो रहा है, हो सकता है इतने वक्त में तो ये मेरे तुषी को तलाश कर लें।
यू राइट किरण जी, हम होटल चलते हैं, आप अपनी तलाश जारी रखिए। ठीक है, तो शाम को होटल पर मुलाकात होगी। जरूर जी। और आप मेरे लिए जितनी तकलीफ उठा रही हैं, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। ओके, सी यू देन। तानी, हम तुषार को यहाँ पर जिंदा छोड़कर नहीं जा सकते। तूफान के सामने जो पेड़ तन कर खड़े होते हैं ना, वो उखड़ जाते हैं, और जो पौधे झुक कर रहते हैं ना, वो बच जाते हैं। तो अब हम होटल नहीं जा रहे, तुषार को ढूंढने जा रहे हैं। नजारा है, भारतीय नारी अपनी जान पर खेलकर अपने पति को बचाने आई है। तुषार को बचाना मेरा धर्म है, और तुम्हें दौलत चाहिए ना, तो तुषार अपनी सारी प्रॉपर्टी लिखकर देने के लिए तैयार है, और स्टैंप पेपर पे लिखवा कर दूंगी मैं तुम्हें। अगर अजद दौलत की खातिर मेरी जान का दुश्मन बन सकता है, तो मेरे खो जाने के बाद वो तना का भी दुश्मन बन सकता है। मुझे जीना होगा, नहीं मुझे जीना होगा, मुझे जीना होगा। तानिया की खातिर जीना होगा, नहीं मुझे जीना होगा। हाँ तानी, वहां से घास लो और पूरी गाड़ी को कवर कर दो। क्यों? ताकि तुषार और इंस्पेक्टर किरण हमारी गाड़ी को देख ना सके, इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी को कवर करो, मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। तुषार, तुषी, मेरी तुषी, मेरी तुषी, ये क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये कहीं सपना तो नहीं? ये सपना नहीं, हकीकत है। मैं तुम्हारी तानिया तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे 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 डर लग रहा है। तानू, रजत मुझे मार देना चाहता था, उसने उसने मुझे पहाड़ी से धकेल दिया था। मैं जानती हूँ, मैंने खुद उसी पहाड़ी से देखा है, शायद वो मुझे भी मार देता, इसीलिए मैं छुप छुप के तुम्हें खोजती फिर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए। तुषार, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा था। नीचे बैठो, नीचे। मुझे बहुत डर लग रहा था। ओ, भाग तनु भाग, कहीं कहीं वो तुझे भी ना मार दे। कम ऑन रजत, कम ऑन, शूट हिम। क्यों किया ये धोखा मेरे साथ? ये सब कुछ तो तुम्हारा था, और तुम तानू। शूट रजत, रजत शूट, कम ऑन रजत, हरियो, फायर रजत। Stupid! अगर मुझे
लग जाती तो? शट अप! तुम्हारी वजह से वो भाग गया। तुम्हें बीच में आने को किसने कहा था? वो बचना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। यहाँ पर नहीं हो सकता। आई थिंक वो वहां क्या होगा, उस तरफ। कम ऑन, बिजलियां
बचाना नहीं, तूफान कोई उठाना नहीं, तूने हवाओं को मोड़ा कभी तो, धड़कन है ये जाना लगता है कुत्ता फिर से बचकर निकल गया। चलो वहां चलकर देखते हैं। हमें होटल चलना चाहिए। Absolutely not. जब तक हम तुषार को जान से मार नहीं देते ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। Don't behave like an idiot. कल के होटल से निकले हुए हैं, रात भी साथ साथ गुजार रही है, खाने पीने का सामान भी लेकर आए हैं। अगर इन सब पॉइंट पर इंस्पेक्टर किरण ने सोचना शुरू कर दिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। Don't give her a chance to think. होटल चलना ही चाहिए, समझी? शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। बुजदिल चूहे, अगर तुम्हें पुलिस से इतना ही डर लगता था तो क्या जरूरत थी थर्ड क्लास प्लान बनाने की? मैं इडियट हूँ, जंग लगे रिवॉल्वर से गोली मैंने चलाई थी, पहाड़ से उसे मैंने धकेला था, गाड़ी से कुचलने का प्लान मेरा था, और इसी राइफल से गोली फायर कर करके मैंने बचने का मौका दिया था। मैं इडियट हूँ तो तुम क्या हो? महा इडियट। अगर तुषार जिंदा सही सलामत किरण चौधरी के हाथ लग गया तो लटका दिए जाएंगे हम दोनों फांसी के फंदे पर, ये सोचा है तुमने? अगर तुम्हें होटल जाना है तो जाओ, जब तक तुषार जिंदा है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ओके, हम तुषार को ढूंढने चलेंगे। ऑल राइट। आई लव यू रजत, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। लो आ गए इंस्पेक्टर किरण। तुम उससे ये कहना कि हम रास्ता भटक गए थे। ओके ओके। ए मेलिया, साला फोर की बाजू में बिठा के खुद को राजा समझता है तू? ये गाड़ी बीच से हटा, बोला ना तेरे को गाड़ी हटा। अबे बूंदी के लड्डू, अपना थोबड़ा संभाल के बात कर। ए साला कुतरिया लोग किधर किधर से आ जाता मुंह मारने को, अब उनको मुंह संभालने को बोलता है तू? तू जबरदस्ती करेगा क्या रे काले अंडे? हाँ चल हटा के दिखा। ये तू मेरे को काला अंडा बोला? बगितला, तेरे जैसे सड़क छाप हीरो का पूर्ण इलाज है अपुन के पास। अभी मैं तेरी वाट। ए राव साहेब, काहे के लिए गुस्सा करते हो? आइला, बबूल के झाड़ पर कमल का फूल। ए भाई, गुस्सा मैं नहीं, गुस्सा ये सदाशिव अमरापुर कर करता है तेरा। एक तो हम पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से पहले से ही परेशान हैं। पेट्रोल खलास झाला तो गर्म काही को होने का, डू का ठंडा रखने का, पांडू को बोलने का, पांडू का टाकी 24 घंटा फुल रहता है। अभी तुम्हारा ताबड़तोड़।
तानिया? वो देखो, छोड़ के तूने मारा मारी शुरू कर दिया क्या? नहीं भाई साहब। तो फिर ये सब क्या है? डॉक्टर भी बोल रहे थे कि तूने किसी के साथ मारा मारी की है। मैंने किसी के साथ मारा मारी नहीं की, वो कुत्ते लोग ही मेरे को मारा। कौन था वो लोग? कोई बाहर गांव वाला था, उसके गाड़ी का नंबर 3415। 3514 हलकट साला, एक तो गाड़ी मार्ग बीच बंद केला, ऊपर से मेरे को दादागिरी निकालता है। दीवाची शपथ, मैं उसकी दादागिरी निकालता, पर उसका भाई को नौरा के बीच में आके तो मेरा ध्यान चूक गया। भाई को? नहीं पांडू, वो औरत उसकी पत्नी नहीं है। पांडू खोटा काई को बोलेगा भाई साहब, उसका भाई को ही है। नहीं बाबा, मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानती हूँ, वो दोनों पति पत्नी नहीं है। दीवाची शपथ, मैं उनको जिस हाल में देखा, कोई भी उनको नौरा भाई को ही बोलेगा। मतलब कि वो दोनों रजत के तुषार के जूतों के निशान हैं। आज इस कहानी को अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। कम ऑन।
रुको रुको रजत, यहाँ से तो फुटप्रिंट्स गायब हैं। कौवे से भी ज्यादा चालाक है कमीना, लगता है उसने हमें आते हुए देख लिया, इसलिए इसी फुटप्रिंट पर उल्टा भाग गया होगा। यू मीन जिसे हमें पीछे जाकर ढूंढना चाहिए? नहीं तो क्या आकाश में खोजेंगे? यहीं कहीं छुप गया होगा। चलो तैयारी हो रही है मैडम? हाँ पवार। उसी गुमशुदा की तलाश में जा रही है? नहीं, एक शिकारी को दो शिकारियों के चंगुल से बचाने जा रही हूँ। और कितने दिन छकमारी करनी पड़ेगी उस मनुष्य को तलाश करने में? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तानी, या तो वो मेरी गोली का शिकार हो जाएगा या फिर भूख प्यास का। मौत का शिकंजा उस पर कसता चला, सत्यानाश। ये क्या हो गया? उस कमीने ने हमें भी अपनी तरह अपंग बना दिया। अब न हमारे पास सफर करने का साधन है, न रात गुजारने की जगह। अब हमें भी उस कुत्ते की तरह भटकना पड़ेगा। देखो, हमें यहाँ से गए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास ही हो। सुना रजत, कुछ सुना तुमने? वो भेड़िए की आवाज है। नहीं रजत, किरण कह रही थी यहाँ दूर दूर तक भेड़िए नहीं है, ये जरूर तुषार की आवाज है। Come on रजत, let's find him. Hang on. वो कुत्ता हमारे लिए जाल बिछा रहा है। अब तक हम उसके पीछे भाग रहे थे, अब उसे हमारे पीछे आने दो। दिखा दिया ना कुत्तापन? क्या हुआ? ये देखो, छोड़ूंगा नहीं रास्कल। पाना चाहते हैं? हो रहा। शूट हिम। प्रॉब्लम क्या है? शूट हिम। इंस्पेक्टर किरण बीच में आ रही है। अगर किरण बीच में आए तो उसे भी उड़ा दो। कम ऑन। मुझे दो। आपके पास कोई दूसरी गन नहीं? वहाँ, वहाँ जीप में है। गो फास्ट।
जीप से दूर भागिए प्लीज प्लीज जीप से भागिए ना प्लीज ना यस और उसे गोली से मार दो मैं नहीं नहीं वो इस वक्त भूखे शेर की तरह पागल हो रहा होगा कहीं उसने छुप छुपा कर मेरे सर पर पत्थर मार दिया तो उसके लिए तो मैं यस अब वो कमीना बाहर आएगा कैसे उसे सांस की शिकायत है ना हाँ मैं अभी आया रजत जल्दी आओ Make it fast, yaar. नहीं रजत वो कुत्ता खुद खुद बाहर आ जाएगा कम ऑन बाबा रजत वो देखो क्या वो देखो वहां से धुआं निकल रहा है कहां से तुम एक काम करो तुम वहां देखो मैं यहां देखता हूं ओके चाहते थे बट नहीं तुम मेरे सपनों की आड़ में अपना निकम्मापन छुपाना चाहते थे तुम इतने खुदगर्ज इतने लालची हो नहीं, तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से उठाकर एक
दौलतमंद की गोद में बिठा दिया। तानू, तानू तू मुझे गलत समझ रही तानू। तुम्हें आज ही तो पहचाना है मैंने। इतने मौके मिलने के बाद भी तुम तुषार को नहीं मार सके। किरण के डर से तुम होटल वापस जाना चाहते थे, उस पर गोली नहीं चला सकते थे। अरे आगे चलकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो तुम्हारे जुलाब छूट जाएंगे। तानू नहीं, तुम मेरे भविष्य के लिए खतरा हो रजत। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। प्लीज तुषार, वेट वेट तुषार, तुम्हारे दोस्त ने मुझे बहका दिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो मैंने उसे शूट कर दिया। मुझे माफ कर दो। अब सारी जिंदगी जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। एहसास हुआ कि मौत का खौफ क्या होता है। तुम इतनी बहक चुकी हो, लालच और जुर्म के भवन में इतनी घुस चुकी हो कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे कत्ल की कोशिश, उस इंस्पेक्टर का कत्ल और अब रजत का कत्ल। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग है तानिया, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग है। ये गलती मत करना तानिया, तुझे सांप ने काटा है, मेडिकल एड की सख्त जरूरत है तुझे। अगर बैरल में कोई कंकड़ पत्थर फंस गया हो तो बैरल ब्लॉक होने के कारण बैकफायर हो जाएगा और फायर करने वाला खुद मर जाएगा। गुड बाय स्वीटहार्ट।